इस वीडियो में नेक्स्ट जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है टू डिटरमिन द ऑर्बिट व्हेन द लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्सेस गिवन। अब हमें क्या कहना है कि पहले हमने ऑर्बिट चेक करी डिफरेंट टाइप ऑफ इलिप्टिक हाइपरबॉलिक और उसमें हमने लॉ ऑफ फोर्स जो है वो फाइंड आउट किया। अब हमें रिवर्स काम करना है कि हमें लॉ ऑफ सेंट्रल फोर्स गिवन है और हमें ये चेक करना है कि पार्टिकल जो है वो कौन से पाथ के अलॉन्ग मूव करेगा। सो अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन अंडर अ सेंट्रल फोर्स विच वेरीज इनवर्सली एज अ स्केयर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो जो पार्टिकल है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि जो फोर्स है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स, तो हम एफ को कैसे लिख सकते हैं, म्यू अपॉन आर स्क्वायर। और हमें क्या करना है, इसका ऑर्बिट निकालना है, मीन्स हमें इस एक कॉरेस्पॉन्डिंग पाथ जो है वो फाइंड आउट करना है। तो हमने इसमें पेडल इक्वेशन यूज करी। सो अगर हम पेडल इक्वेशन का यहाँ पे यूज करें तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास जो एच स्क्वायर बाय पी क्यूब डी पी बाय डी आर है, वो जो है हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो हमारा एफ के इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे एफ की वैल्यू पुटअप की, टर्म्स को सेपरेट किया। तो जब हम टर्म को सेपरेट करेंगे तो हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्बिट। तो ये जो ऑर्बिट है उसकी इक्वेशन जो है हमें पेडल फॉर्म में इस तरह से मिल गई। तो इस तरह से अगर हमें लॉ ऑफ फोर्स गिवन हो तो भी हम ऑर्बिट जो है वो निकाल सकते हैं, मीन्स हम वो पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं जिसके अलॉन्ग पार्टिकल जो है वो मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फोर्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट थ्योरम जो है, दैट इज शो दैट ऑर्बिट डिस्क्राइब्ड अंडर अ सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स वेरिंग डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस इज एन इलिप्स हैविंग इट्स सेंटर एट द सेंटर ऑफ फोर्स। अब हमें प्रूव करना है कि अगर हमारा जो ऑर्बिट है, मीन जो पाथ कवर हो रहा है, वो अगर वेरी करता है डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस, अगेन हमें यहाँ पे लॉ ऑफ फोर्स गिवन है एंड हमें ये प्रूव करना है कि फिर वो क्या होगा, एक इलिप्स होगा। सो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गिवन था, तो इसलिए मैंने एफ को क्या लिखा, म्यू इंटू आर लिखा, वेयर ओ जो है वो हमारे पास पोल है, मीन्स ओरिजिन की बात हम कर सकते हैं। अगेन हमने पेडल फॉर्म की बात की, जस्ट बिल्कुल सेम जैसे हमने पिछले थ्योरम की तरह डिस्कस किया। हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो हमें लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिलेगा वो हमें आर एंड पी की टर्म्स में मिल जाएगा एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसका ऑर्बिट आ जाएगा, मीन्स दिस इज द ऑर्बिट। एंड अगर हम इसे चेक करें, ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, क्योंकि हमने डिस्कस किया था ये जो हमारे पास इक्वेशन है इलिप्स की, दैट इज द इक्वेशन इन पेडल फॉर्म। तो हमें हर फॉर्म की जो इक्वेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। इलिप्स की इक्वेशन हमने जो इलिप्टिकल ऑर्बिट वाला टॉपिक किया था इससे पहले वीडियो में, हमने उसकी पोलर फॉर्म का यूज किया था, यहाँ पर हम इसकी पेडल फॉर्म का यूज कर रहे हैं। सो अगर फोर्स जो है दैट इज गिवन बाय म्यू इंटू आर, मीन्स अगर फोर्स जो है वो हमें म्यू इंटू आर के कॉरेस्पॉन्डिंग, मीन्स फोर्स अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो हमें ये प्रूव करना था कि दैट इज एन इलिप्स। सो रिवर्स अगर हमें चेक करना है कि अगर ऑर्बिट इलिप्स है तो हमें इसमें प्रूव करना है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अब हम वर्क करते हैं। सो अगर हमें इलिप्स गिवन है तो हमने इलिप्स की इक्वेशन लिखी, अगेन दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन द पेडल फॉर्म। हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डीपी अपॉन डी आर हमने फाइंड आउट किया एंड हमने अगेन इसमें भी पेडल फॉर्म यूज की है सेंट्रल ऑर्बिट की। सो पेडल फॉर्म जैसे मैंने डिस्कस की हुई है वीडियो में, तो सेंट्रल ऑर्बिट की जो इक्वेशन है दैट इज इन पेडल फॉर्म, वो हमने यहाँ पे लिखी है। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जब हमने वैल्यू निकाली, बाकी सारा हमारा कॉन्स्टेंट हो जाएगा। तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, मीन जो फोर्स है दैट वेरीज डायरेक्टली एज द डिस्टेंस। सो नेक्स्ट जो हमने इसमें डिस्कस करना है दैट इज एप्स एंड एप्साइडल डिस्टेंस। सो व्हाट इज एन एप्स, एप्स इज अ पॉइंट ऑन अ सेंट्रल ऑर्बिट एट विच रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोर्स टू द पॉइंट हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो एप्स जो है सेंट्रल ऑर्बिट का ऐसा पॉइंट है जहां पर जो रेडियस वेक्टर अगर हम ड्रॉ करें सेंटर से, या तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो या फिर उसकी वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन एन एप्स एंड द सेंटर ऑफ फोर्स उसे हम क्या बोलते हैं, एप्साइडल डिस्टेंस। एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंस दैट इज नोन एज एप्साइडल एंगल। तो अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं इन तीनों डेफिनेशन को, अगर हम बाय एग्जांपल ऑफ इलिप्स इसे समझें,
अगर हमारे पास ये इलिप्स है, ऑर्बिट का एग्जांपल लूं, ये सेंटर हो गया, सेंटर से जो डिस्टेंस है बेसिकली मेजर एक्सिस का हमें पता है कि डिस्टेंस सबसे ग्रेटर डिस्टेंस होता है और माइनर एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो सबसे लेस होता है. तो ये जो एप्स है दैट इज अ पॉइंट, मीन्स जो ये वाला पॉइंट है या हम इस पॉइंट की बात करें दिस वन, या फिर हम इस पॉइंट की बात करें या हम इस पॉइंट की बात करें, तो ये चार पॉइंट्स मैंने अभी मार्क करे हैं. इन पॉइंट्स पे या तो रेडियस वेक्टर की वैल्यू मैक्सिमम है या फिर रेडियस वेक्टर की वैल्यू जो है वो मिनिमम है. तो इस तरह के पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, एप्स बोलते हैं. तो एप्साइडल डिस्टेंस जो है एक पॉइंट मीन जिसे हम एप्स बोल रहे हैं, और सेंटर ऑफ फोर्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसे हम एप्साइडल डिस्टेंस बोलते हैं, और एंगल बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंस. अब दो कॉन्जिक्यूटिव एप्साइडल डिस्टेंस ये हो गए, एक तो हो गया हमारा ये वाला दिस वन जहां मेरा कर्सर है, और एक हो गया हमारा ये वाला. तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये जो एंगल है बेसिकली इनके बीच में दिस वन दिस एंगल, इस एंगल को बेसिकली हम क्या बोल देंगे, एप्साइडल एंगल बोल देंगे. तो इस तरह से हमने तीनों डेफिनेशंस को डिस्कस किया. नेक्स्ट इसके बेसिस पे हमें अब थ्योरम को डिस्कस करना है. सो एट एन एप्स द पार्टिकल मूव्स एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर, ये हमें प्रूव करना है कि एप्स पे जो मैंने अभी डिस्कस किए डेफिनेशन, तो एप्स पे जो पार्टिकल है दैट मूव एट राइट एंगल टू द रेडियस वेक्टर, पार्टिकल जो है वो रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, ये हमें प्रूव करना है. तो जैसा मैंने अभी बताया एप्साइडल डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कि डिस्टेंस या तो क्या होता है एप्स पे डिस्टेंस या तो मैक्सिमम होता है या फिर डिस्टेंस क्या होता है मिनिमम होता है. तो मैंने यू को 1/r पुट किया, डेरिवेटिव लिया. अब मैक्सिमम या मिनिमम जहां आ जाता है तो वहां पर वेरिएशन खत्म हो जाती है. जो हम लोअर क्लासेस में मैक्सिमम मिनिमा की बात करते थे, हम डेरिवेटिव को जीरो करते थे, बिकॉज मैक्सिमम या मिनिमम अगर हम बोल रहे हैं तो उसमें चेंज कुछ नहीं है. मीन्स रेट ऑफ चेंज जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, जीरो. मीन्स डी यू बाई डी थीटा जो है वो जीरो आ गया. फिर हमने कर्व की इक्वेशन लिखी, ये हमने पहले भी यूज की हुई है पेडल फॉर्म के कॉरेस्पॉन्डिंग. जब डेरिवेटिव अगर हमारा जीरो हो गया तो इसका मीनिंग 1/p² जो है वो यू स्क्वायर के इक्वल हो गया. यू की हमने देन वैल्यू पुटअप की, तो जब हम यू की वैल्यू पुटअप करेंगे, यू की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दैट वॉज 1/r. तो जो यू की वैल्यू है दैट वॉज 1/r, एंड जब हमने सॉल्व किया इसे पी इज इक्वल टू आर आ जाएगा. एंड पी की जो वैल्यू होती है ये आर साइन फाई होती है. अगेन ये जो एक्सप्रेशन है वो पेडल फॉर्म के डेफिनेशन में आता है बेसिकली. सो यहाँ पे एज इट इज यूज हुआ है कि पी इज इक्वल टू आर साइन फाई. तो यहाँ से जो फाई एंगल है दैट इज 90 डिग्री. सो यानी जो अगर हम एप्स की बात करते हैं तो एप्स पे जो पार्टिकल है वो 90 डिग्री की डायरेक्शन में मूव करता है टू द रेडियस वेक्टर, और वी कैन से दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है आर्टिकल, टू प्रूव एनालिटिकली दैट व्हेन द सेंट्रल एक्सेलरेशन वेरीज एज सम इंटीग्रल पावर ऑफ द डिस्टेंस, देयर आर एट द मोस्ट टू एप्साइडल डिस्टेंस. हमें प्रूव करना है कि अगर जो फोर्स है मीन्स जो सेंट्रल एक्सेलरेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग बात अगर हम करें, अगर वो रेडियस की कुछ इंटीग्रल पावर में वैरी करती है, इंटीग्रल में नेगेटिव भी आ सकता है पॉजिटिव भी आ सकता है, तो मैक्सिमम टू एप्साइडल डिस्टेंस जो है वो पॉसिबल है. तो जैसे हमने यहाँ पे फॉर्मुला लिखा, एफ को हमने लिखा सेंट्रल एक्सेलरेशन से रिप्रेजेंट किया, एंड जैसा कि हमें थ्योरम में गिवन है कि सेंट्रल एक्सेलरेशन जो है दैट वेरीज एज इंटीग्रल पावर ऑफ आर. तो हमने यहाँ पे लैम्डा इंटू आर एन लिखा, आर की वैल्यू पुटअप करी, आर को हमने पुट किया 1/u. फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी पाथ की इन द पोलर फॉर्म, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. हमने एफ की वैल्यू पुटअप करी यहाँ से, दैट इज लैम्डा अपॉन यू रेस टू पावर एन. न्यूमेरेटर में लिया एक्सप्रेशन. नेक्स्ट स्टेप हमने 2du/dθ से मल्टीप्लाई किया, ताकि अभी हम आगे चेक करेंगे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी. तो जब हम यहाँ पे 2du/dθ से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम इस 2du/dθ इस फैक्टर को हमने ब्रैकेट के अंदर शिफ्ट करना है. सो जब हम ब्रैकेट के अंदर इसे शिफ्ट करेंगे, एंड उसके बाद अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म में अगर हम चेक करें u इज अ फंक्शन और साथ में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ, तो फंक्शन इंटू में उसका डेरिवेटिव, सो फंक्शन की पावर इंक्रीज बाय 1 डिवाइड बाय इंक्रीज पावर. सिमिलरली जो हमारे पास सेकेंड टर्म है, फंक्शन बन जाएगा du/dθ, तो फंक्शन साथ में उसका डेरिवेटिव,
तो फंक्शन की पावर इंक्रीज बाय 1 डिवाइड बाय द इंक्रीज पावर, तो 2 जो है वो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे जब यहाँ पर हम डिवाइड बाय 2 करेंगे। राइट हैंड साइड में भी हमने इसी तरह से इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया जो हमने 1 इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया। अब अगर हम एप्स की बात करना चाहते हैं, जैसे हमने चेक किया कि एप्स पे जो डिस्टेंस होता है या तो वो मैक्सिमम होता है या फिर वो क्या होता है मिनिमम, एंड अगर डिस्टेंस मैक्सिमम या मिनिमम है तो दैट मीन्स उस केस में हमारे पास उसका वेरिएशन जीरो हो जाता है, मीन्स डीयू बाई डी थीटा जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। तो जब डीयू बाई डी थीटा जीरो हो जाएगा, हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप करी, सेपरेट किया टर्म्स को, यू की टर्म्स को कलेक्ट किया एंड लास्ट स्टेप पे यू को हमने 1/r जो है वो पुट किया। तो जब हमने u को 1/r किया सिंपल स्टेप में हमने सॉल्विंग की, तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम चेक करें दिस इक्वेशन हैज एटमोस्ट 2 चेंजेस ऑफ साइन। अगर हम चेक करें वेरिएशन जो है साइन की, फर्स्ट टर्म जो है वो हमारी यहाँ पे प्लस है, सेकेंड टर्म जो है वो हमारे पास माइनस है। सो अगर हम डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन लगाए, जो अलजेब्रा से हमने चेक करना है कि डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन जो होता है एक पॉलीनोमियल में जितनी वेरिएशन ऑफ साइन होते हैं उतने नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएशन आई जब हमने यहाँ से यहाँ मूव किया, फर्स्ट वेरिएशन, जब हम सेकेंड टर्म से थर्ड पे जा रहे हैं फिर से एक वेरिएशन है बिकॉज फिर से प्लस साइन हो गया, यानी यहाँ पे 2 चेंजेस हैं। तो दैट मीन्स अगर 2 चेंजेस हैं, तो जैसे मैंने बोला कि हम इस पर डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन लगा सकते हैं, डिस्कार्टेड रूल ऑफ साइन के अकॉर्डिंग इसके पास मैक्सिमम 2 पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो आ सकती है, एंड इससे ये प्रूव हो जाता है कि जो एप्साइडल डिस्टेंस है दैट कैन हैव एट द मोस्ट 2 वैल्यूज, मीन्स 2 एट द मोस्ट एप्साइडल डिस्टेंस हो सकते हैं। सो मैंने जो स्टार्टिंग में भी एग्जांपल एक्सप्लेन किया था जब मैंने एप्स की एप्साइडल डिस्टेंस की डेफिनेशन दी थी, तो अगर मैं यहाँ पे इलिप्स की बात करूँ, इलिप्स में भी 2 एप्साइडल डिस्टेंस होते हैं एंड जिसे हम फर्स्ट बोल सकते हैं हम मेजर एक्सेस, इस वाले एग्जाम्पल से हमें समझ आ जाता है इलिप्स, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस किया ये, तो सेकेंड जो है दैट इज द माइनर एक्सेस। तो यही 2 ऐसे डिस्टेंस होते हैं जो मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं, तो मेजर एक्सेस वाला मैक्सिमम एप्साइडल डिस्टेंस हो जाता है और माइनर एक्सेस वाला हमारा मिनिमल एप्साइडल डिस्टेंस हो जाता है।